रुख करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल हरिबाऊ बांगरे से राजभवन में सोमवार को भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत एरिक गर्सेंटी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी दूतावास के उपनिदेशक एरोन, वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार ए सुरेश सुकेश और साथ ही अलेक्जेंडर वाइट और यूएस दूतावास में राजनीतिक अधिकारी हिना राव शामिल हुई हैं। राज्यपाल बागरे से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान एरिक गर्सेंटी ने राज्यपाल के साथ में भारत में अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने भारत की विविधता में एकता की संस्कृति और आत्मीयता से भरे लोगों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान अपनत्व से भरा प्रदेश है। इसी के साथ में गर्सेंटी ने यह भी बताया कि साल 2013 में लॉस एंजल्स शहर के 42वें मेयर के रूप में उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने विशेष रूप से मेयर रहते हुए लॉस एंजल्स को ग्रीन सिटी बनाने और यहां पर निवेश के लिए किए गए विशेष कार्य और भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में रहे अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव जोगाराम, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की प्रबंधन निदेशक सुषमा अरोड़ा भी उपस्थित रही। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे पार्वती, काली, सिंध, चंबल और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के दरमियान नहीं करें। ऐसा करना नैतिक रूप से अनुचित है। जूली ने कहा कि ये प्रोजेक्ट कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और वे इसके शिलान्यास के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस तो बार बार ये मांग कर रही है कि राज्य हित में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, तभी राजस्थान के हितों की रक्षा हो पाएगी। इसी के साथ जूली ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बीजेपी सरकार समझने में विफल रही है। इस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस शासन में करीब 10,000 करोड़ रुपए की बजट राशि आवंटित की गई है। ईआरसीपी निगम का भी गठन हुआ था और हरतौली की काली सिंध नदी का नोनेरा बांध ईआरसीपी प्रोजेक्ट में बनकर तैयार हुआ और पहला बांध हैज जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में बना। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में इसरदा बांध का भी नवनिर्माण कर 6 शहरों और 1,250 गांवों की पेयजल समस्या का निदान किया गया। जूली ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर काम तो कभी भी शुरू हो चुका है और नए बांध बन गए हैं, फिर भी यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करना चाहते हैं तो राजस्थान के व्यापक हित में हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के दौरान ऐसा करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। प्लानिंग हमारी थी, इन लोगों ने 10 साल तक इसको अटका के रखा। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए और वो ये दौरा जो है 13 नवंबर के बाद यहाँ बनाए और इसका शिलान्यास करें और जो हकीकत है वो भी जनता को जरूर बताए। दृष्टिकोण से हमें वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है। वास्तविकता को समझकर हम विकास की दिशा में काम कर सकते हैं। झोटवाड़ा की समृद्धि के लिए राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर लगातार इसी दिशा में प्रयासरत हैं। कर्नल राठौर की प्राथमिकता बुनियादी सुविधाओं को निरंतर उन्नत करना, समय समय पर विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक कर स्थानीय जनता से मुलाकात कर हर समस्या का निदान कर्नल राज्यवर्धन राठौर कर रहे हैं। इस कड़ी में 200 फीट बाईपास के सभी अंडरपास के चौड़ीकरण से यातायात जाम और जलभराव की समस्याओं का समाधान भी कर्नल राज्यवर्धन राठौर कर रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्याएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से हो। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने जनता की सहभागिता और विश्वास के लिए धन्यवाद जताया है और क्षेत्रवासियों ने भी इस सराहनीय काम के लिए कर्नल राज्यवर्धन राठौर का आभार जताया है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने पहल की है जहां पर जलभराव की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। आपको बताते चलें कि लगातार जलभराव की समस्या से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और इस दौरान निवारू रोड अंडरपास और साथ ही कालावाड़ रोड अंडरपास और सिरसी अंडरपास और साथ ही आपको बताते चले कि कई अंडरपास है जहां पर जलभराव की समस्या रहती है और जिसको ध्यान में रखते हुए
200 फीट बाईपास के सभी अंडरपास का चौड़ीकरण कराया जाएगा। जयपुर में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर आरपीए में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर डीएसपी उत्कल रंजन साहू ने कहा कि देश के अमर शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान से प्रेरणा लेकर सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हैं और देश की सेवा का संकल्प लें। और वहीं डीएसपी साहू ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूरे भारत में 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 की अवधि में राष्ट्र सेवा में वीरगति को प्राप्त करने वाले 216 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के नाम वाचन करते हुए राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से उन्हें भावांजलि अर्पित की गई है। और वहीं आरपीए में कार्यक्रम के बाद में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर त्रिमूर्ति सर्किल स्थित पुलिस स्मारक पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर डीएसपी उत्कल रंजन साहू ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर पुलिस के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। और इस दौरान पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के पुलिस अधिकारियों सहित अन्य पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने भी शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आपको बताते चले कि पुलिस के अमर शहीदों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि डीएसपी उत्कल रंजन साहू ने परेड की सलामी ली। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जयपुर में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर आरपीए में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है और डीएसपी उत्कल रंजन साहू ने कहा कि देश के अमर शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान से प्रेरणा लेकर सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए देश की सेवा का संकल्प लें। डीएसपी साहू ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूरे भारत में 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 की अवधि में राष्ट्र सेवा में वीरगति को प्राप्त करने वाले 216 पुलिस अधिकारियों कर्मियों के नाम वाचन करते हुए राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से उन्हें भावांजलि अर्पित की है। राजस्थान पुलिस अकादमी में पुलिस शहीद दिवस पर सोमवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बाद में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, पौधारोपण, साफ सफाई अभियान आयोजित किया गया है। रक्तदान शिविर में 117 पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने रक्तदान कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। डीजीपी यूआर साहू ने रक्तदान शिविर का अवलोकन कर रक्तदान करने वाले पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाया है। इस नेक कार्य के लिए उनकी सराहना की गई। रक्तदान शिविर में डीजीपी हेमंत प्रियदर्शी, एडीजी और आरपीए के निर्देशक एस सिंगाथिर, आईजी राजीव पचार और साथ ही डीआईजी दीपक भार्गव समेत पुलिसकर्मियों ने रक्तदान कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। राजस्थान के जोधपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल से धर्म परिवर्तन की खबर सामने आई है। हिंदू और मुस्लिम धर्म छोड़ ईसाई धर्म अपनाने की नसीहत दी जा रही थी। दरअसल जोधपुर जिले की बिलाड़ा में धर्म परिवर्तन की खबर ने तूल पकड़ा तो हड़कंप मच गया। पूरा मामला बिलाड़ा की इमानुएल स्कूल का है, जहां पर यहां के निवासियों ने बिलाड़ा पुलिस थाने में सूचना दी। कुछ लोग बिलाड़ा की इमानुएल स्कूल में रविवार को स्कूल के कमरों के दरवाजे बंद कर क्षेत्र के कुछ लोगों को प्रलोभन देकर ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाने का षड्यंत्र रच रहे थे। इस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। घटनास्थल पर थानेदार भवरलाल सिरवी जाप्ते के साथ तुरंत मौके स्थल पर पहुंचे। तब तक क्षेत्र के आसपास लोगों का जमावड़ा हो गया। पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया। स्कूल के दरवाजों को खुलवाकर पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला जोधपुर से है जो कि धर्म परिवर्तन को लेकर है। धर्म परिवर्तन के मामले लगातार अब तूल पकड़ने लगे हैं। इसको देखते हुए सूचना के बाद पुलिस जाप्ता भी मौके पर पहुंचा और इस मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू करती है। आपको बताते चले कि एक स्कूल से धर्म परिवर्तन की खबर सामने आई। इस
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने धौलपुर में हुई एक सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। देवनानी ने इस दुर्घटना में निधन हुए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति, उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी विजया रहटकर की राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। विजया रहटकर ने महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में अपनी एक खास पहचान बनाई थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये नियुक्ति की है। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था है, जिसको महिलाओं की उन्नति के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं, इसमें संवैधानिक और कानूनी मुद्दों का पुनर्मूल्यांकन, संसदीय और वैधानिक सिफारिशें करना, महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, महिलाओं के मुद्दों पर शोध करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना जैसे कार्य शामिल हैं। 1992 में विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित ये आयोग सिविल कोर्ट के अधिकारों से भी सुसज्जित है। बांदीकुई में बढ़ती महंगाई ने आम जनता की रसोई पर गहरा असर डाला है। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने लोगों की थाली से हरी सब्जियों को लगभग गायब कर दिया है। खासतौर पर हरी सब्जियों की कीमतों में इस कदर उछाल आया कि मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए उन्हें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। जहां कुछ महीनों पहले तक घरों में हरी सब्जियों की भरमार हुआ करती थी, वहीं आज लोग केवल जरूरी अनाज और दालों पर निर्भर होते नजर आ रहे हैं। सब्जियों का राजा कहे जाने वाले आलू भी लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, गोभी, लहसुन और साथ ही आलू जैसी रोजमर्रा की सब्जियां भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। जहां कुछ दिन पहले बाजारों में टमाटर 20 से 30 रुपए प्रति किलो मिलता था, वहीं अब ये 70 से 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। इस तरह से हरी पत्तेदार सब्जियों की कीमतें भी 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। सब्जी मंडी के आढ़ती दिलीप सैनी ने सोमवार को बताया कि खराब मौसम, बेमौसम बारिश और परिवहन लागत में वृद्धि महंगाई का प्रमुख कारण है। कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से सब्जियों की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिसमें बाजार में सब्जियों की आपूर्ति में भारी कमी आई है। आपको बताते चलें कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता त्रस्त हो चुकी है। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने लोगों की थाली से हरी सब्जियों को दूर कर दिया है। आपको बताते चलें कि परिवारों ने इन्हें खरीदना तक बंद कर दिया है। जहां कुछ महीने पहले घरों में हरी सब्जियों की भरमार होती थी, वहां अब थाली से हरी सब्जियां गायब हैं। आलू, टमाटर, प्याज, हर किसी सब्जी के जो दाम हैं वो आसमान छूते नजर आ रहे हैं, जिससे आम तबका सब्जियां जो हैं वो कम मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है। आपको बताते चलें कि आज केवल जरूरी अनाज और दालों पर निर्भर होते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जियों का राजा कहे जाने वाला आलू भी लोगों की पहुंच से दूर है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि टमाटर 20 से 30 रुपए में मिल रहा था, जो कि अब 70 से 100 रुपए में मिल रहा है। सब्जियों के भाव है वो तो जो नॉर्मल चल रही है, उसमें लहसुन सबसे तेज बिक रहा है 300 रुपए किलो, और टमाटर है कि 70 रुपए किलो बिक रहे, मूली प्याज मूली बिक रही है हमारे यहाँ पे, जो हरी मूली आती है, प्याज आता है हरे प्याज, जो 30-25 रुपए की पोजिशन में, मिर्ची 70 से लेकर 80-90 रुपए किलो, अदरक बिक रही है 65 रुपए। तो ये बरसात हुई, बारिश हुई है, बारिश में लोगों की फसलें गली हुई है। 65 रुपये किलो तक की गोभी बिक रही है थोक में, इसमें मिर्ची इनको नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है फसलों को, जिस कारण महंगाई है। लेकिन अभी कम से कम 15-20 दिन और लगेंगे, जिससे कि सब्जियों में आवक में बढ़ोतरी होगी, उससे भाव डाउन होगा। खबर कोटा से है, जहां पर कैथून में श्री अन्नपूर्णा रसोई का ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उद्घाटन किया है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। श्री अन्नपूर्णा रसोई से लोगों को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री हीरालाल नागर ने सभा को भी संबोधित किया, जहां मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष हरिओम पुरी, नेता प्रतिपक्ष गायत्री शर्मा और पार्षद भी मौजूद रहे हैं।
आपको बताते चल रहे की खबर कोटा से है, जहां पर कैथून में श्री अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंचकर उद्घाटन किया है। बांदीकुई में कुटी फाटक स्थित शराब के ठेके को घनी आबादी क्षेत्र से हटाने के लिए पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें शराबबंदी आंदोलन जिलाध्यक्ष एडवोकेट विनेश कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड भेजे गए हैं, जिसमें कुटी फाटक स्थित शराब के ठेके को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड भेजे गए हैं। इस अभियान में 51 पोस्टकार्ड से शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री के नाम पर 5000 पोस्टकार्ड भेजने का लक्ष्य रखा गया। भेजे गए पोस्टकार्ड में लिखा गया कि अतिशीघ्र शराब के ठेके को अतिशीघ्र हटाया जाए, अन्यथा कोई अनहोनी और जन आंदोलन होता है तो समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। राजगढ़ के रैडी थाना अंतर्गत पाटन के बांस में लाइनमैन की लापरवाही के चलते एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घटना उस समय हुई जब नेत्राम अपने घर के बिजली के तारों की मरम्मत कर रहा था। परिजनों के अनुसार नेत्राम और उसका भाई डीपी पर काम कर रहे थे। उन्होंने पहले ही लाइनमैन को सूचित कर दिया था कि बिजली आपूर्ति बंद रखी जाए। इसके बावजूद लाइनमैन ने अचानक से बिजली चालू कर दी, जिससे नेत्राम गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जिस घायल अवस्था में राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। घायल के भाई जितेंद्र ने लाइनमैन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है। हमारे ट्रांसफार्मर के तार झुलस थे, बार बार परेशान थे, 3-4 दिनों से। कभी रात में हट जाते थे, कभी दिन में, तो उसको सही कर रहे थे। लाइनमैन से बात हुई थी, बोला मैं हॉस्पिटल में बिजी हूँ, तुम वहां चले जाओ, जैसे वहां से ध्यान मिल जाएगा। इनके लाइनमैन की लापरवाही है? हाँ जी, हमारे पार्टनर हमारे गांव में लाइनमैन की लापरवाही किस तरह? लाइनमैन था वो मौजूद नहीं था, दूसरा था वो हमारे गांव का ही, वो बिजली विभाग में काम करता है, तो उसके थ्रू हुआ है सारा काम। लाइनमैन का क्या नाम है? लाइनमैन का नाम नेत्राम है और उसका नाम लोकेश है। अब उसके बाद में उसका फोन आया था जब वो गया था, उसके बाद में बोला दूर हट जाओ, दूर हट के क्या करें, इंसान तो गया। लाइनमैन सरकारी काम है? वो पहले ठेके था, अभी वो पक्के होने वाला। करौली जिले की मासलपुर पुलिस ने 5 दिन पहले लोहर घाटी के पास अज्ञात बाइक सवारों की ओर से बैंक मित्र को हथियार दिखाकर 3 लाख करीब की जो रुपए की है लूट के मामले का खुलासा किया है, जहां पर पुलिस ने लूट मामले के 4 आरोपियों को जयपुर और अलवर से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी जब्त की है। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और साथ ही सूचना संकलन और टेक्निकल और साथ ही डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कड़ी जोड़कर घटना का खुलासा किया है, जिसकी पूरी जानकारी एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने दी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर चाकसू से है, जहां पर नगर पालिका की ओर से 3.5 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया होने की वजह से दीपावली से पहले, आपको बताते चले कि चाकसू नगरी अंधेरे में बदल गई है और रोड लाइट के समस्त कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों की तरफ से लापरवाही नगर पालिका की बताई जा रही है, जिसकी वजह से लंबे समय से बिजली का बिल नहीं भरा गया है। जैसे चाकसू रोड लाइटों के कनेक्शन काट दिए गए हैं और सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का है, लेकिन चाकसू कस्बे में रोड लाइटों के कनेक्शन काट के चाकसू नगरी को अंधेरी नगरी में बदल दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।